हेलो क्लास, स्वागत है आपका एसजीआई ऑनलाइन क्लास में। क्लास आज मैं आपको हिंदी भाषा में पाठ 19 विराम चिन्ह समझाने जा रही हूँ। इसे ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि बच्चों जो ये विराम चिन्ह होते हैं, यह जब आप किसी वाक्य को लिखते हैं उसमें आपको कितनी देर रुकना है तथा कहाँ विराम देना है, इन सभी को महत्व प्रदान करता है तथा इसी के माध्यम से वाक्य जब हम बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें सुंदरता बढ़ती है। सबसे पहले हम समझेंगे विराम चिन्ह की परिभाषा को, कि विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है। विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब बच्चों, ये तो आपकी विराम चिन्ह की परिभाषा हुई। अब विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं तो आपके पाठ्यक्रम में कितना दिया हुआ है, 12। तो विराम चिन्ह अगला प्रकार पे क्या होगा, विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? आप देखिए, 12 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका चिन्ह है इसमें अल्पविराम। सबसे पहला चिन्ह कौन सा हो गया, अल्पविराम। इसके बाद दूसरा चिन्ह है अर्धविराम। इसके बाद तीसरा चिन्ह है पूर्ण विराम। तीसरा चिन्ह क्या है बच्चों, पूर्ण विराम। और चौथा चिन्ह है प्रश्नवाचक। पांचवा चिन्ह है, चौथा हो गया प्रश्नवाचक, और पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह इन सभी के आगे भी चिन्ह लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अल्पविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और शीर्ष नंबर पे है इखरा अवतरण चिन्ह। इखरा अवतरण चिन्ह। इसके बाद 7 नंबर पे है दोहरा अवतरण चिन्ह। 7 नंबर पे है दोहरा अवतरण चिन्ह। इसके बाद 8वें नंबर पे है बच्चों हंस पद। इसके बाद
नेक्स्ट चिन्ह है जो निर्देशक चिन्ह। इसके बाद नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। और दशमा चिन्ह है संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह। लेवल नंबर पे है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। इसके बाद 12 नंबर पे है अंतिम चिन्ह जो है लाघव चिन्ह, लाघव, लाघव चिन्ह। अब जो ये चिन्ह दिखते किस तरीके से है या लगाते किस तरीके से, सबसे पहले आपका है अल्पविराम। जो अल्पविराम चिन्ह है यह इस तरीके से आएगा, अर्धविराम इस तरीके से। इसके बाद पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसके बाद है एकहरा अवतरण चिन्ह। जो एकहरा अवतरण चिन्ह होता है वह इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके बाद है दोहरा अवतरण चिन्ह। दोहरा जो अवतरण चिन्ह होता है वह इस तरीके से होगा। इसके बाद आठवें नंबर पे है आपका हंस पद। हंस पद इसको कहते हैं आप त्रुटिपूर्ण भी। हंस पद जब कोई चीज छूट जाती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में ये लंबी स्ट्रिक होगी और संयोजक चिन्ह में इससे छोटी, संयोजक चिन्ह में इससे छोटी लकीर होगी। इसके बाद है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में दो पॉइंट और एक स्टिक। इसके बाद लाघव चिन्ह में शून्य होता है, जीरो होता है, ये होते हैं चिन्ह। तो इनका प्रयोग हम वाक्य में कब करते हैं बच्चों, लिखते समय करते हैं। अब इनको समझ लीजिए कब, जिस प्रकार से अल्पविराम, जब वाक्य के बीच में थोड़ा रुकते हैं तब वहां अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम कृष्ण, अब राम और कृष्ण के बीच में जो कॉमन है वो है अल्पविराम हो गया, तो राम कृष्ण और सीता, ठीक, या राम लक्ष्मण और सीता। किसी भी वाक्य में जो आपको कॉमा मिलेगा अर्थात ये चिन्ह मिलेगा यहाँ पर, ये अल्पविराम कहलाता है, अर्थात वाक्य को अल्प समय के लिए रोकना। इसके बाद है अर्धविराम। अर्धविराम के बीच, अल्पविराम के पीछा अर्धविराम में हम थोड़े ज्यादा समय के लिए रुकते हैं, उसे हम अल्पविराम कहते हैं। जैसे 14 वर्ष के बाद जब राम अयोध्या लौटे, लौटे के बाद आपका क्या लिखा हुआ है, अर्धविराम का चिन्ह लगा होगा। तो सबसे पहले माता कैकेयी के पास गए। इसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण विराम। जब वाक्य पूर्ण होता है तो वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विराट ने 100 रन बनाए, अंत में आपका पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जिन वाक्य में कुछ पूछा जा रहा हो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ गए थे, तो कहाँ प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग में आएगा। इसके बाद है विस्मयादिबोधक चिन्ह। जहाँ पर हर्ष, शोक, घृणा, कष्ट आदि भावों का प्रकट करने वाले शब्द हो वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे छी, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, तो छी के बाद कौन सा आपका शब्द लगा है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, ये इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर जो विस्मयादिबोधक चिन्ह इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, और एक अवतरण ये हो गया, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा स्टिक और उसके नीचे पॉइंट, अर्थात विस्मय पूर्ण शब्द है। इसके बाद एक अवतरण विशेष पुस्तक, व्यक्ति, पाठ या वस्तु को उद्धृत करने के लिए एक अवतरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी लोग, महात्मा गांधी जी को लोग बापूजी कहते हैं, इसमें एक ही कॉमा लगेगा, किस तरीके से, यहाँ जो लिखा हुआ है इस प्रकार से। इसके बाद दोहरा अवतरण चिन्ह, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम दोहरा अवतरण चिन्ह लगाते हैं।
जैसे शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, अर्थात इसमें दोहरावतरण चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट हंस पद, वाक्य लिखते समय जब हम कोई वाक्य शब्द भूल जाते हैं तो उस शब्द को लिखने के लिए हम हंस पद है त्रुटि सूचक जो आपका चिन्ह है उसको लगा करके शब्द को ऊपर लिख देते हैं। निर्देशक चिन्ह, कथोपकथन वार्तालाप शीर्षक आदि के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे गीता का संदेह निष्काम करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट संयोजक चिन्ह, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच का चिन्ह को लगाते हैं, जैसे मैं कभी कभी चाय पी लेता हूँ, तो कभी कभी के मध्य में जो चिन्ह लगा हुआ है वह क्या हो जाएगा आपका संयोजक चिन्ह। इसके बाद विवरण चिन्ह में क्या है, किसी बात को निर्देश करने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे लिंग के दो भेद होते हैं तो हम क्या करते हैं विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कौन कौन से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह, जो अंतिम चिन्ह है आपके में। लाघव चिन्ह किसी शब्द को पूरा ना लिख करके संक्षेप में सूचित करने के लिए उसके प्रथम अक्षर के साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित पूरा ना लिख करके पा के ऊपर अनुसार और मध्य में उसके सामने बिंदी रख देते हैं, तो पंडित शब्द पूर्ण हो जाता है। जैसे अगर लिखेंगे इस प्रकार से, लिखा ये पंडित हो गया, और पूरा कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसका शॉर्ट रूप में हम इस प्रकार से लिख देंगे, तो ये लाघव चिन्ह का प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो ये चैप्टर है 19 विराम चिन्ह ये पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को विराम चिन्ह का प्रयोग हमें किस प्रकार से वाक्य में करना है ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो।